कॉमेडी शो से आप डेब्यू कर रहे हैं, तो इसके पीछे आपका कुछ पर्सनल कारण या फिर ऐसा कुछ था, इस दौरान क्या बनाया गया? कुछ नहीं, मैं कॉमेडी बड़े दिल जान से देखता हूँ। जब मुझे टाइम मिलता है, मैं गेम से फ्री रहता हूँ, तो मैं कॉमेडी काफ़ी देखता हूँ, और आज से नहीं, बहुत सालों से देखते आ रहा हूँ। और यही एक कारण है कि आई वॉन्टेड टू कम ओवर हेयर एंड सी व्हाट दे डू, और जो तो ये बहुत ज़्यादा हंसाते हैं, और इट्स ऑब्वियसली नाइस टू बी हेयर विद दीज सच टैलेंटेड पीपल हु कैन मेक पीपल लाफ। और यू नो, मैं खुश हूँ कि मैं यहाँ पे हूँ, और मैं काफ़ी हंस रहा हूँ, और हंस हंस के ये मेरे गाल जो हैं कभी कभार दुखने भी लगते हैं, तो खैर काफ़ी मज़ा आ रहा है। आई एम श्योर ऑल ऑफ यू गोना लव इट। मजाक की बात कर रहे हैं, कौन सी मजाक आपने कभी किसी की हो तो याद है? मजाक तो अभी डेली रूटीन में हम सब एक दूसरे के साथ करते हैं, और ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ पर्टिकुलर इंसिडेंट याद है। वो यहाँ ऐसा तो नहीं मैं सुना सकता हूँ कि यहाँ ऐसा मैंने प्रैंक किया था, बट देर आर लॉट ऑफ प्रैंक्स जो मैंने किए हैं, वो मेरे साथ हुए हैं, तो ये सब तो चलता रहता है। बट ज़िंदगी में एक चीज़ है कि हमें खुश रहना चाहिए। थोड़ा जब आप ज़्यादा टेंस स्ट्रेस रहते हो, तो यू डोंट एक्चुअली नो कि ज़िंदगी आप जी नहीं रहे हो, तो उसको अगर आप हंस खेल के गुजारे हैं या फिर उदास रह के गुजारे हैं, वो आपकी चॉइस है। मेरी चॉइस तो ये है कि जितने देर आप जी रहे हो, वो हंस के जियो, खुश रह के जियो, और मतलब खिलखिलाते हुए नज़र आओ, ताकि जो आपको देख के लोग भी खुश हों। कहते हैं कि मजाक की एक हद होती है, आपके अनुसार क्या है, मजाक की हद होती है या फिर? हर चीज़ की एक हद होती है, खाने की भी एक हद होती है, और मजाक की एक हद का तरीका ऐसा है कि बिलो द बेल्ट नहीं होनी चाहिए कोई भी चीज़। और मजाक करिए, मजाक सही है, आपके ऊपर हो या कोई आपके ऊपर कर रहा हो, तो उस लेवल तक जाइए जहाँ कि सामने वाले बंदे को गुस्सा ना आ जाए। और बट ये तो ऑफ कोर्स शो ऐसा है, कॉमेडी शो की, जिसमें ऑब्वियसली मजाक करना है, एक को दूसरे के ऊपर करना है, दूसरे को तीसरे के ऊपर करना है, तो यहाँ तो दे आर प्रोफेशनल पीपल, दे नो हाउ टू डू मजाक। बट बहुत बार ऐसा होता था कि हम स्कूल में एक दूसरे से मजाक करते थे, तो उसमें झगड़ा भी हो जाता था, तो एडमिट है, तो काफ़ी लोग कईयों को बर्दाश्त करने का जो मादा है वो बड़ा होता है, कईयों का कम होता है, तो उतना ही करना चाहिए जितना सामने वाला आदमी ले सके। कभी आपको गुस्सा आया है मजाक? जैसे कि मजाक एक ऐसा लग रहा है कि कॉमेडी से रिलेटेड है, जिसमें फुल मस्ती और मजाक होने वाला है, तो अगर हम ऐसे एज अ कॉमेडियन की बात करें, तो हु योर फेवरेट लाइक कॉमेडी एक्टर? देखिए, यहाँ पे जितने आए हैं जो परफॉर्मर, जो इस स्टेज के ऊपर मजाक में जितने भी परफॉर्मर्स हैं, वो सब एक से एक दुरंदर हैं, और उनको मैं बहुत बार टीवी पे देख चुका हूँ, सुन चुका हूँ, और बार बार यूट्यूब पे सर्च करके उनको मैं देख चुका हूँ, तो एक आदमी का नाम लेना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पे जो आए हैं वो सब एक से एक बढ़कर है। और ये एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ आपको लगता है कि शायद ये चीज़ आप उस पर्टिकुलर दिन पे कैसी परफॉर्म कर सकते हो, और मतलब हमारा जैसे मेरा खेल है, उस पर्टिकुलर दिन में मैं अगर अच्छा नहीं करता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अच्छा नहीं हूँ, या फिर कोई भी एक्स वाई जेड। और यहाँ पे कौन जीतेगा कौन नहीं, कौन फेवरेट है कौन नहीं, ये कोई नहीं जानता, पर मेरे नज़र में ये सारे जो हैं वो विजेता हैं, सब जीते हुए हैं। इतने लोगों को हंसाना ये कोई आम बात नहीं है, मैं नहीं हंसा सकता, आप नहीं हंसा सकते हो, बट ये लोग हंसा सकते हैं। दिस इज़ एन आर्ट एंड आई सैल्यूट टू देयर आर्ट, एंड इट्स अ ग्रेट थिंग व्हाट दे डू, यू नो, ऑन द स्टेज। ये एक मजाक की बात हुई, बट मजाक से हटके अगर हम हरभजन की बात करें, तो हरभजन आप बहुत जल्दी डैड बनने वाले, तो क्या खुशी आने वाली? वो मजाक में नहीं हुआ, वो सही में देखो हो गया ना मजाक, तो वो सही में हुआ है, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ी है।